कमायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना श्रद्धा मनु को आत्मसमर्पण के पश्चात अपने आप को एक अलग ही स्थिति में पाती है, उन्मादग्रस्त, सुधबुध खोने वाली, लज्जा का प्रवेश होता है। वो श्रद्धा को सचेत करते हुए कहती है कि तुम अपने आप को एक अबला नारी मात्र समझ बैठी हो, तुम्हारे अंगों की कोमलता और सुंदरता तुम्हारी पराजय का कारण बन जाएंगी। याद रहे, दुर्बलता के क्षणों में विश्वास को अपने हाथ से मत गवा देना। पर श्रद्धा को एक ही बात समझ आती है कि वो नारी है और उसे पुरुष के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, मनु को अपना सर्वस्व सौंप देना चाहिए। उधर मनु के हृदय में द्वंद्व चलता है कि कहीं वो भटक तो नहीं गया, लेकिन वो अपने आप को दृढ़ करता है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो सब सहज है, स्वाभाविक है, कोई अनुचित कार्य नहीं। वो निश्चय करता है कि उसे कर्म यज्ञ में लीन होना होगा, वही उसकी उन्नति और सुख की सीढ़ी है, कर्म उसके लिए सुख और उन्नति के द्वार खोल देगा। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 5। मनु ने अपने उठाए हुए कदम को कहा, यही सत्य है। सत्य क्या है? सत्य कहने को तो ये एक शब्द मात्र है, किंतु कितना गहन है इसे जानना आसान नहीं है। वास्तव में सत्य और कुछ नहीं, बुद्धि का खेल है। एक तोता रटंत है जो बुद्धि ने कह दिया, मन ने उसी को रटना आरंभ कर दिया, फिर तो हर बात में सत्य ही दिखाई देता है। तर्क के हाथों का स्पर्श पाकर सत्य छुई मुई की भांति सिकुड़ जाता है। सत्य को मनुष्य अपने मतानुसार सीमित भी कर लेता है। यही स्थिति मनु की है, तभी तो वे बार बार एक ही बात रट रहे हैं। हाँ, मैंने अपने निश्चय कर लिया है, मैं उसी की छाया में विश्राम करूंगा, उसी की छाया में जो आंखों के सांचे में आकर एक रमणीय रूप में ढलता जा रहा है, मैं उसी में समा जाऊंगा। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वो कौंध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। मनु के निश्चय के साथ लो वो श्रद्धा भी चली आई। कैसी लग रही है? जैसे ऋतुराज बसंत की मदमाती तरंग, जैसे प्रातः काल का जागरण जिसमें मध्यान्ह का निखार खुला हो। श्रद्धा तो ऐसी है, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में। और मनु, मैं अभी भी अकेलेपन का अनुभव क्यों कर रहा हूं? जब प्रकृति, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब कुछ मुझे कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं,
क्यों? तब ये अकेलेपन की चिंता क्यों? बस मेरा तो अब एक ही ध्येय है, एक ही ध्येय, कर्मयज्ञ। ये विस्तृत भूखंड प्रकृति के अनंत वैभव से भरा है। तुम हो एक, अकेले कैसे भोग पाओगे इस वैभव को? तुम अकेले यज्ञ भी कैसे कर पाओगे? कर्म और भोग, भोग और कर्म, ये एक क्रम है सृष्टि का। तपस्वी, याद रखो, जो आकर्षण से हीन है वो आत्मविस्तार नहीं कर सकता। कौन है, कौन है जो मेरे कानों में रस खोल रहा है? कौन है? श्रद्धा के अतिरिक्त ये वाणी और किसी की हो ही नहीं सकती। श्रद्धा, अवश्य ही श्रद्धा। हाँ, वो श्रद्धा ही है, वो जड़ और चेतन के बीच की दुविधा को मिटाती है। उठो और उसे स्वीकार करो। एक ओर तो ये सोमरस और दूसरी ओर श्रद्धा। श्रद्धा तथा कामदेव के प्रेरणा भरे शब्द, तब मुझे क्या करना चाहिए? मनु, उठ खड़ा हो मनु और कर्म यज्ञ में जुट जा। सोच विचार मत कर, श्रद्धा के उत्साह भरे वचनों और कामदेव की प्रेरणा को लेकर दुविधा में मत फंस। मत फंस मनु, कर्म में प्रवृत्त हो। हाँ, सच कहा तुमने, सच कहा। मेरी बुद्धि, मेरा तर्क भी इसी का समर्थन करता है, इसी का। ठीक यही है जो जो तुम कह रहे हो, यही सुख और उन्नति की सीढ़ी है। तो अब मुझे अधिक तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं, नहीं, कर्म यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए। देखो मित्र किलात, तुम और मैं दोनों ही असुर जाति के पुरोहित रहे हैं। प्रलय की प्लव से किसी प्रकार हम दोनों ही बच गए। मित्र आकुली, बच तो गए पर लाभ क्या हुआ? इधर उधर भटकते, भूखे प्यासे दिन बिताते कितना समय बीत गया, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ मित्र, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। पर नतीजा क्या निकला? कभी कभी इधर उधर घूम फिरी आपने आसपास, कुछ कुछ देखा, कुछ समझा? हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूं। क्या क्या देख रहे हो? कभी उन दोनों को देखा है? कि नहीं? जो अपने आप को देवजाति का प्रतिनिधि कहते हैं, श्रद्धा और मनु, कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। हाँ मित्र, देखा तो है, पर मनु तो सोमरस में डूबे रहते हैं या फिर अग्नि जलाए बैठे रहते हैं, और श्रद्धा अपने पशु के साथ ही प्रसन्न है। इतना प्यार करती है उसे कि मनु भी कभी कभी उपेक्षित अनुभव करते हैं।
कितना स्वस्थ दिखता है ये पशु। मित्र, उस पशु को देख देख कर मांस की लोभी मेरी जीवा बहुत लपलपाती है, बहुत व्याकुल होती है। मित्र केलाद, बताओ तो, हाँ, दिन के चुनते घास फूस खाते कब तक जीऊं, कब तक देखूं मैं जीवित पशु की ओर, कब तक लहू का घूंट पीता रहूं। हाँ मित्र, मन तो मेरा भी बहुत ललचाता है। क्या कोई इसका उपाय ही नहीं कि मैं इसको खाऊं? बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊं। हाँ, उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। उपाय क्या करेगा मित्र? देखते नहीं हो उसके साथ श्रद्धा कितनी ममता समेटे रक्षा के लिए तत्पर रहती है। हाँ, फिर तो भी कुछ तो करना ही होगा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं इस पशु से अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। इसके लिए मेरे सामने जो भी दुख सुख आएंगे उन्हें सहूंगा मित्र। पर मित्र, पता भी तो चले कि तुम्हारी योजना क्या है। हाँ तो सुनो। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। ऐसे नहीं मित्र, कान इधर लाओ, चुपचाप सुनो। हाँ बोलो। हाँ मित्र, ये ठीक है। हाँ चलो उधर ही चलते हैं जिधर मनु ध्यान लगाए बैठे हैं। क्या करूं, किस प्रकार, कुछ सोच नहीं रहा। देखो देखो, मनु अकेले बैठे क्या बड़बड़ा रहे हैं। हाँ, अरे तनिक इस लता कुंज की ओट में छिपकर सुनते हैं। हाँ, चलो, चलो, हाँ। नहीं आता। मनु, तुमने कर्म यज्ञ का विचार किया, ये उपयुक्त ही है। इस यज्ञ से ही जीवन के सपने सच्चे होंगे। इस निर्जन वन में कर्म यज्ञ से ही हृदय में आशा के फूल खिलेंगे, अवश्य खिलेंगे। किंतु किंतु यज्ञ का पुरोहित कौन बनेगा? ये यज्ञ किस विधि विधान से करूंगा? हो वो, मुझे तो कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा। हो अरे सोचना क्या है, श्रद्धा तो मेरे साथ ही है। हाँ श्रद्धा, बस तैयारी करता हूं। कौन तुम दोनों, कौन हो? जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आए। अब तुम? हाँ, हम यज्ञ संपन्न कराने आए हैं। तुम यज्ञ करना चाहते हो ना? हाँ। तो फिर किसको खोज रहे हो? पुरोहित की चिंता में क्यों कष्ट सहते हो? जो इस सृष्टि के प्रतिनिधि हैं, सूर्य और वरुण, आलोक और अंधकार जिनकी छाया है, वे हम सबके पथ प्रदर्शक बनेंगे। वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सब आओ आओ और यज्ञ में पुरोहित बनो तुम दोनों। विश्वास है मुझे कि विधि पूर्वक ये यज्ञ पूरा हो जाएगा, अवश्य पूरा होगा। आओ आज फिर से यज्ञ की वेदी पर ज्वाला प्रज्वलित हो। आप दोनों यज्ञ की पूरी व्यवस्था कीजिए। मित्र किलात, बस बस यही उपयुक्त समय है। मनु तो आंखें बंद किए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। स्वाहा की अंतिम ध्वनि पर इस पशु का वध कर देना। हाँ, बिल्कुल।
ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? मैंने तो ये सब इसलिए किया था कि इस यज्ञ को देखकर श्रद्धा को भी एक प्रकार का कौतूहल होगा, परंतु उसने तो इसमें भाग तक नहीं लिया। अग्नि की ये भीषण ज्वाला पशु की करुणा से भरी चीत्कारें और वेदी के आसपास रक्त के ये लाल लाल छींटे देखकर क्या श्रद्धा प्रसन्न होगी? हिंसा हत्या को तू यज्ञ मानता है? क्या ये पशु मरकर भी हमारे मिलन में बाधक होगा? मैं तो श्रद्धा को प्रसन्न देखना चाहता था, पर वो तो रूठ कर दूर जा बैठी। तब क्या मैं जाकर उसे मनाऊं? क्या वो मेरे मनाने से मान जाएगी? समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, सोमरस ही अब जीवन का साथी बने। सोमरस। अपनी शयनागार में लौट तो आई, पर मेरे मन पर लदा ये व्यथा का बोझ क्या मुझे चैन से सोने देगा? कितने दुख की बात है, मैं जिसे अपने संपूर्ण हृदय से चाहती हूं वो आज कुछ और ही बना हुआ है। कितना घृणित कार्य! अपने हृदय में मैंने भविष्य का जो सुंदर चित्र खींचा था, इस हिंसा ने उस चित्र को ही मिटा डाला। वो तो एक सपना बनकर रह गया। हो ऐसी हिंसा इतने प्रेम युक्त मन में, ऐसी हिंसा! कैसा विभत्स दृश्य था! रात गहरा गई है, मेरी पलकें भी भारी हो चली हैं। हो तुम
प्रिय श्रद्धे, मैं तुम्हारा मनु। चलो हटो। तुम और मेरे प्रिय सखी, आज ये कैसे रूठने का भाव? मानवती, तुम्हारा ये मान क्यों? हे अप्सरे, मैंने जो स्वर्ग बनाया है, तुम उसे इस तरह नष्ट मत करो। तुम भी मेरे साथ मिलकर जीवन में आनंद का उपभोग करो। मनु, कैसा आनंद की बात करते हो तुम? उसी आनंद की जिसके लिए तुमने सर्वस्व समर्पण किया था। आज तुम नए सिरे से फिर वही गान गाओ जो तुमने प्रथम मिलन के समय गाया था। तुम मुझे पूर्व की भांति ही स्वीकार करो, पूर्णता के साथ। छोड़ो मनु, सदा पूर्णता पाने को सब भूल किया करते क्या? जीवन में यौवन लाने को जी जी कर मरते क्या? ओ श्रद्धे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की स्थिति, जानता हूँ। देखो, तुम्हारी ये दूरी और तुम्हारा ये क्रोध अनुचित नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। श्रद्धे, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूँ, लज्जित हूँ मैं। देखो, अब तुम रूठना छोड़ो और मेरे साथ सोमरस का पान करो। उठो उठो श्रद्धे, उठो। क्या कहते हो तुम? उठो मनु, आज तो तुम इस प्रकार अनुनय विनय कर रहे हो, किंतु कल फिर कोई परिस्थिति पैदा हुई तो तुम फिर बदल जाओगे? नहीं नहीं श्रद्धे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ये भी संभव है कि कल तुम मुझसे विमुख हो जाओ, अपना कोई नवीन साथी खोज निकालो और फिर किसी नवीन यज्ञ की रचना करो। नहीं देवी, देवी देवता की बात मत करो मुझसे। तुमसे ये भी संभव है कि कल तुम किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी और प्राणी की बलि दो। इस प्रकार के यज्ञों में कितना धोखा भरा हुआ है पता है तुम्हें? केवल अपने आनंद के लिए ही तो पशु की बलि दी जाती है। देवता की प्रसन्नता तो एक बहाना है। श्रद्धे, अपना आनंद या अपना सुख भी तो कुछ महत्व रखता है ना? अपना सुख वो भी तो सर्वथा तुच्छ नहीं है। ये जीवन तो बस दो दिन का है। इस क्षणिक जीवन का चरम बिंदु केवल सुख ही तो है। सुख ही स्वर्ग है। स्वर्ग? धिक्कार है ऐसे स्वर्ग को जो दूसरों की पीड़ा से प्राप्त हो। विश्व की समस्त माधुरी जिसके सामने महत्वहीन है, वो अपना सुख स्वर्ग नहीं है? ये तुम क्या कहती हो? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब हमारे उपभोग के लिए ही तो है, हमारे संतोष के लिए ही तो उनका निर्माण हुआ है। यही है जीवन की सफलता। उपभोग को ही तुम सफलता कहते हो? हाँ। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे। हाँ। इस स्थिति में तो तुम दूसरे प्राणियों की पीड़ा देखकर उनसे अपना मुंह मोड़ोगे। तब इस सृष्टि की सार्थकता क्या है? सृष्टि को तुम गंभीरता से देखोगे तो सार्थकता समझ में आ जाएगी। देखो,
तनिक देखो इन कलियों को, अगर ये खिले नहीं तो उपवन को सुगंध कौन देगा? फूलों के रूप में मुस्कान कहां से आएगी? अगर ये कलियां अपने भीतर ही बंद रह जाएंगी और अपने सौरभ को बंदी बनाकर रखेंगी तो क्या होगा? तब ये सूख जाएंगी और झड़कर मिट्टी में मिल जाएंगी। भला बताओ तो मनु, अकेले होने का सुख कैसा? निजी सुख तो केवल स्वार्थ है। हाँ श्रद्धेया, तुम ठीक कहती हो। अकेले का सुख कैसा? अब कि तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो, मिल जाओ। और ये सोम रस से भरा चषक, इसे पी जाओ। लो पियो पियो। अब और पियो। बस पियो ना। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक का पांचवा भाग सुन रही थी। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन के एन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, अनिल मग्गू, केदारनाथ, अश्वनी वालिया, नरेंद्र जोशी और प्रतिभा शर्मा।